हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोगों ने जो है ना ज्वाइन वगैरह देखे और उसकी काफ़ी जो है ना प्रैक्टिस भी कर ली है हमने, तो आज जो है ना थोड़ा इसी को ज़रा वो आगे लेके चलते हैं। लेकिन ना यही यानी कि इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह या कोई चीज़ ऐसी समझ ना आई हो तो उस चीज़ को पहले डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, कोई चीज़ करनी है रिपीट इधर के भाई, उस चीज़ पे और डिस्कस कर ले हम। शुएब भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ ज्वाइंट और ग्रुप बाई को एक दफा रिपीट कर दीजिए, कंबिनेशन ऑफ उसका सेंटेक्स। ज्वाइंट, हाँ जी, वैसे नहीं सिंपल कंबिनेशन। ग्रुप बाई पहले रिपीट करना। अच्छा, देखो ग्रुप बाय क्या होता है असल में। ग्रुप बाय हम कब लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो है ना 100 लोग हैं, ठीक है। अब 100 लोग में जो है ना, यानी कि हमने ये चीज सर्वे किया उनके साथ कि भाई आप लोगों को स्पोर्ट्स कौन से पसंद है, तो उसके लिहाज से ना उन्होंने अपना डाटा इंटर कर दिया, ठीक है। किसी को क्रिकेट पसंद था, किसी को टेनिस पसंद था, किसी को फुटबॉल पसंद था, किसी को बैडमिंटन पसंद था, ठीक है। तो इस लिहाज से ना हर किसी ने अपने फॉर्म जो है ना वो फिलअप कर दिए हैं। अब देखो यानी, और उसके अंदर ये भी इंफॉर्मेशन थी कि फॉर एग्जाम्पल ये इंफॉर्मेशन हो सकती है कि भाई यानी कि उनकी अर्निंग क्या है, मतलब कि कोई क्रिकेट से कितना अर्न कर रहा है, कोई बैडमिंटन से कितना अर्न कर रहा है। इसके बाद उनकी एज कब, एज के बारे में हो सकता है कि उनकी एज क्या है, ठीक है। इस तरह की कुछ चीजें थी जो हमने ना एक फॉर्म पे दी भी थी, और हर किसी ने ना ये फॉर्म, 100 लोगों ने ये फॉर्म फिल करना था। देखो जब भी कोई इंफॉर्मेशन ली जाती है ना, वो किसी ना किसी रिपोर्ट को पॉपुलेट करने के लिए ली जाती है, यानी किसी ना किसी चीज की एस्टिमेशन के लिए ली जाती है, ठीक है। जब इवन के जो नादरा की जो डेटाबेस है ये क्यों बनाई गई है, ताकि इनके पास हिसाब किताब रहे हर चीज का, कि पाकिस्तान में इस वक्त कितने जेंट्स हैं, कितने फीमेल हैं, ठीक है, कितने एजुकेशन वाले पीपल हैं, कितने कैसे पीपल हैं, कोई यानी कि उनका कह लो कि लैंग्वेज क्या है, मदर लैंग्वेज क्या है, ठीक है। इस तरह करके ये जो ना पूरी जो डेटाबेसिस बनाई जाती है, जो जितना भी डाटा होता है ना, एक्चुअली ये होता है किस लिए है कि हमारे पास ना एक कैलकुलेशन चीज आ सके, स्टेटिस्टिक नहीं जिसे कहते हैं हम, कि हमारे पास ना वो फिगर सामने आ सके। और ये हर जगह इसी तरह चलता है, यानी कि इवन कि अगर अमेजोन किसी चीज की इंफॉर्मेशन लेता है, वो क्यों लेता है, यूजर को दिखाने के लिए लेता है ना। अब कोई भी यूजर किसी भी कैटेगरी की प्रोडक्ट को सर्च करेगा, तो उस जिस यूजर ने उस कैटेगरी की इंफॉर्मेशन दी होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मोबाइल सेल कर रहा हूँ, तो अगर मैंने कैटेगरी में ये चीज चूज की होगी कि मेरी मेरी जो प्रोडक्ट जो मैं अमेजोन पे सेल करने जा रहा हूँ वो मोबाइल है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फिर यानी कि इस डाटा को पॉपुलेट करेगा किसके लिए, जिसको ये डाटा रिक्वायर्ड होगा, यानी कि जिसने ये मोबाइल की प्रोडक्ट देखनी होगी। अब हमने उन 100 लोगों का डाटा एंटर किया जिसमें उनका फेवरेट स्पोर्ट था, उनकी पर मंथ की सैलरी थी, और उनका क्या एजिस थी, ठीक है। अब जब ये डाटा हमारे पास आ गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई कितने लोग हैं जो जो है ना, यानी कि कह लो कि कितने किस्म के स्पोर्ट्स में कितने कितने लोग जो है ना वो इन्वॉल्व हैं। अगर फिजिकली इस चीज को देखा जाए, इन 100 लोगों को एक ग्राउंड में इकट्ठा किया जाए, जब एक ग्राउंड में इकट्ठा करेंगे, तो हमें अगर हमारी ये रिक्वायरमेंट आ गई कि भाई क्रिकेट के लोग अलग हो जाएं, बैडमिंटन के लोग अलग हो जाएं, फुटबॉल से रिलेटेड लोग अलग हो जाएं, और टेबल टेनिस के लोग अलग हो जाएं, तो क्या होगा, ये सारे आपस में ग्रुप बन गए ना, तो फिजिकली हम उन्हें काउंट कर सकते हैं कि हाँ क्रिकेट में इतने लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है, ये इसमें फुटबॉल में इतने लोग इन्वॉल्व है, बैडमिंटन में इतने लोग इन्वॉल्व है। सेम इसी तरह हम जब जब भी हमने डेटा के ऊपर ऐसा कोई भी ऑपरेशन करना हो जिसमें एक स्पेसिफिक डेटा को ग्रुप करना हो आपस में, वो किसी भी चीज का हो सकता है। जिस तरह भी मैंने एग्जाम्पल दी कि हमारे पास स्पोर्ट्स क्या, यानी कि 4 डिफरेंट स्पोर्ट्स चूज किए थे, तो हमने ये चीज देखनी किस स्पोर्ट्स में कितने लोग हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक और यानी कि मेरी एक और रिक्वायरमेंट आ सकती है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि मुझे एजिस ग्रुप बाय करके दो, यानी कि ग्रुप क्रिकेट के ग्रुप में जो है 10 साल से लेके 20 साल तक के एक ग्रुप बना दो, उतने वो उतनी ईयर के कितने लोग हैं, फिर 20 ईयर से 30 ईयर के कितने लोग हैं, फिर 30 ईयर से 50 ईयर तक कितने लोग हैं, वो कैलकुलेशन मुझे चाहिए। तो अब क्रिकेट के ग्रुप में सिर्फ गए और उसके अंदर आगे सब ग्रुप कर दिया हमने। अगर फिजिकली भी देखा जाए तो स्टेडियम में या जिधर भी ग्राउंड में क्रिकेट के लोग जहाँ खड़े होंगे, उन्हें सिर्फ अनाउंसमेंट कर दी जाएगी कि भाई इस एज से इस एज तक के लोग इस थोड़ा इस लेफ्ट साइड पे हो जाए, इस एज से इस एज तक तो जो है ना वो राइट साइड पे हो जाए, और बाकी ऐसे खड़े रहे। तो अब हम उधर ग्रुपिंग कर रहे हैं,
लेकिन अब इधर हमारे पास क्या डाटा है, अब डाटा को जब ग्रुप करना होगा तो हम ग्रुप बाय करके करेंगे कि कैसे उसको ग्रुपिंग करनी है। ग्रुप करने के लिए सबसे पहले हमने ये सोचना जरूरी है कि हमने ग्रुप करना किस चीज को है, तो जिस चीज को भी हमने ग्रुप करना होगा वो ग्रुप बाय करके जो है हम उसे फिर ग्रुप करेंगे। समझ आई तहरीम इस चीज की? ठीक हाँ जी है ना। अब कोई भी मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ से कोई टेबल उठा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल उठाता हूँ ऑर्डर डिटेल का उठाता हूँ टेबल, क्योंकि इसमें रिकॉर्ड ज्यादा था। हाँ लेकिन इसमें जो है ना अभी सही समझ नहीं आएगी, एक मैं शायद ऑर्डर का था। हाँ इसमें रिकॉर्ड से। अब देखो ये मेरे पास डाटा है, अब ये पहले मैंने ये सोचना है कि मैं ग्रुप बाय इस डाटा को करूं किसमें। ठीक है, हो सकता है मैं इस चीज को ग्रुप बाय कर दूं कि मुझे वो लोग चाहिए जो है ना, यानी कि जिनकी शिप यानी कि शिप वाया जो है ना वो टाइप 3 है। ठीक है, यानी कि उतने मुझे लोग चाहिए। वो ये देखना है मैंने कि भाई किन को कितनी शिप जाती है, कैसे जाती है शिपमेंट। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले मैं जो है ना ये इसको क्या करता हूँ, खत्म करता हूँ। यहाँ पे अब स्टेरिक लगा देता हूँ, इसको मैं ओ एलियस दे देता हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आईडी है तो इसलिए पहले मुझे इसका जो डिटेल है, इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लेके आनी होगी। और वो मैं कैसे लाऊंगा, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि ज्वाइन जिस टेबल में इसकी डिस्क्रिप्शन पड़ी हुई है उस टेबल के साथ मैं ज्वाइन लगाऊंगा, और वो आई थिंक शिपिंग में पड़ी हुई थी शायद, हाँ शिपर में पड़ी हुई है। इसे एस कर देता हूँ, तो ओ डॉट शिप वाया इज इक्वल टू है एस डॉट शिपर आईडी। ठीक है, अब मैं इसके साथ ये देख लेता हूँ कि भाई शिप आईडी के साथ कौन सी वो यूज हुई है, ये यानी कि ओ डॉट स्टेरिक, इसके सारे आ जाएं, और एस डॉट जो कंपनी नेम है ये आ जाए। ठीक है, यानी कि 3 को ये क्या कह रहा है, फेडरल शिपिंग कह रहा है, 1 को ये क्या कह रहा है, स्पीडिश एक्सप्रेस कह रहा है, 2 को ये क्या कह रहा है, यूनाइटेड पैकेज कह रहा है। अब हमने ये चीज यानी कि गेट करनी है कितने ऐसे यानी कि हमारे पास ऑर्डर हैं जो वाया फेडरल गए हैं, कितने हमारे पास ऑर्डर हैं जो स्पीडी एक्सप्रेस गए हैं, और कितने ऑर्डर हैं जो यूनाइटेड पैकेज गए हैं। सेम एग्जाम्पल दोबारा उस चीज को माइंड में लाओ कि कितने ऐसे लोग हैं जो यानी कि फेडरल के थ्रू जो अपनी शिपिंग करते हैं, 100 लोग हमने ग्राउंड में इकट्ठे कर लिए, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 830 लोग। ठीक है, तो हमने उन्हें ग्राउंड में इकट्ठा कर लिया और हमने उन्हें कहा कि भाई जो लोग फेडरल शिपिंग के जरिए अपनी शिपिंग करते हैं वो साइड पे हो जाए, जो लोग इसके थ्रू करते हैं वो साइड पे हो जाए, जो लोग इसके थ्रू करते हैं वो साइड पे हो जाए। अब हमारे पास डाटा है इसका, अब हम कैसे ग्रुप बाय करेंगे, हमने ग्रुप बाय किसको करना है, देखो ग्रुप बाय हम इस कॉलम को भी कर सकते हैं, ग्रुप बाय हम इस कॉलम को भी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक दूसरे के वो कहते नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाटा है, यानी कि ये इसके डायरेक्ट यानी कि ये वाला डाटा आएगा, इसका डाटा ये वाला आएगा, तो दोनों के लिए बात सेम ही है। तो मैं क्या करूंगा, इधर मैं ओ डॉट शिप वाया को ग्रुप बाय कर लूंगा, और जब भी हम ग्रुप बाय करेंगे तो हमें यानी कि जिस जो चीज उसकी चाहिए, हमने हमें क्या चाहिए इस वक्त, हमें काउंट चाहिए, तो काउंट को हम काउंट कर लेंगे। ठीक ओ डॉट शिप और प्लस एस डॉट कंपनी नेम। अब जितने कॉलम इधर है ना उतने कॉलम मुझे ग्रुप बाय में भी लिखने होते हैं, क्योंकि इनको ग्रुप बाय करना है ना, इसलिए ये मैंने अब रन किया। ये देखो ये वो रिकॉर्ड आ गया कि भाई 249 हमारे पास जितने अभी टोटल ऑर्डर थे उनमें 249 क्या है, हमारे पास ये वाली शिपमेंट है। इसी तरह करके ये हमारे पास क्या है, 326 हमारे पास क्या है, इतने ऑर्डर हैं, यानी इतने इतने क्लाइंट ने हमारे पास यूनाइटेड पैकेज किया है, और इसी तरह करके ये हमारे पास इसने यानी कि फेडरल पैकेज जो है वो शिपिंग जो है
इतने क्लाइंट ने की है। अब सेम इसी तरह हम इसके ऊपर ऑर्डर बाय लगा सकते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है कि भाई वो आ जाए जिन्होंने सबसे पहले ये किया हुआ, क्योंकि डिफॉल्ट इसके अंदर असेंडिंग होता है, इसको मैंने अगर डिसेंडिंग करना है तो अब ये ऊपर आ गया कि सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो कि 326 है और यूनाइटेड पैकेज उन्होंने किया है, उसके बाद ये लोग हैं, उसके बाद ये लोग। ठीक है तो इसमें जो है ना अभी एक असाइनमेंट है, ये क्यूरी मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ, वो ये है कि मुझे यहाँ पे ना टोटल भी चाहिए, हर रो में टोटल भी चाहिए कि टोटल कितनी यानी कि शिपमेंट हुई है, और उसमें से फिर ये इतनी, ताकि मेरे पास एक एस्टिमेशन आ जाए। ठीक है कि भाई यानी कि टोटल मेरे पास कितनी शिपमेंट हुई है। अब अगर दोबारा हम अपने टेबल पे आए, किस वाले टेबल पे, इस वाले टेबल पे, दोबारा स्टैटिक करते हैं, इसको हम अब दोबारा देख सकते हैं किसी और चीज पे ग्रुप बाय करके। हम ये भी ग्रुप बाय कर सकते हैं कि भाई कितने एम्प्लॉयज यानी कितने किस्म के एम्प्लॉयज से जो है ना हमारे ऑर्डर आए हैं। हम ये ग्रुप बाय कर सकते हैं कि सिटी के हिसाब से ग्रुप बाय कर सकते हैं, किस सिटी में कितने ऑर्डर गए। ठीक है ग्रुप बाय इन कामों के लिए यूज होता है। ठीक है तो इसी तरह करके जो है ना यानी कि हम इसमें और क्या कर सकते हैं, हम ऑर्डर डेट पे ग्रुप बाय कर सकते हैं कि किस डेट को कितने ऑर्डर गए। ठीक है तो अगर कोई और एग्जाम्पल है माइंड में कि इस तरह ग्रुप बाय करके दिखाओ तो उस चीज को भी हम ग्रुप बाय कर लेते हैं, अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है फिर। कोई एक और एग्जांपल भी करके दिखा दो। तो आप बोलो कौन सी एग्जाम्पल करें। कंट्री के बेसिस पे कर लो कोई ऑर्डर। अच्छा कंट्री की बेसिस पे, यहाँ पे कंट्री नहीं है सिटी है हमारे पास। ठीक लास्ट है पे है ना कंट्री का भी, शिप कंट्री। हाँ शिप कंट्री, बस इसके इसकी बेस पे करना है सिंपल बस यहाँ पे, क्योंकि शिप कंट्री यहाँ पे आईडी की बेस पे नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हमें किसी टेबल के साथ ज्वाइन लगाने की जरूरत नहीं है। बस ये ग्रुप बाय हो गया। अब ऑब्वियसली हमें काउंट करना होगा इसे। ठीक है ये हमने कह दिया, इधर काउंट कर लिया। और ये हमारे पास शिप आ गया, ये हमारे फिनलैंड के 22 हैं, यूएसए के 122 हैं ऑर्डर, इटली के 22 हैं। ठीक है इस अरे तरह मैं तो जा, दो कॉलम्स पे ऐड करी तो उसमें भी एरर आ रहा था, दूसरा कॉलम नहीं वो ऐड कर रहा था, ये पता नहीं क्या हुआ हाँ था। वो क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि आपने या तो इधर ले लिया होगा इधर नहीं लिया होगा, या इधर ले लिया होगा और इधर नहीं लिया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऊपर कहता हूँ लिए थे। हाँ फिनलैंड में कितने सिटी हैं, सिटी वाइज भी ये काम हो जाए तो मैं कैसे करूंगा ऐसे। शिप सिटी ये, अब देखो, और इसे मैं ऑर्डर बाय करता हूँ कंट्री से ताकि चीज क्लियर हो जाए, सारे कंट्री के एक एक तरफ आ जाए। ये देखो अर्जेंटीना के एक शहर एक सिटी में ही इतनी गई है हमारी। ठीक है अब ये ब्राजील की देखो, ब्राजील के हमारे कंपनेस के यानी कि सिटी में इतनी डिलीवरीज गई हैं, सेम ब्राजील के इस सिटी में इतनी डिलीवरी गई है, सेम ब्राजील के इस सिटी में इतनी डिलीवरीज गई हैं, और सेम ब्राजील के इस सिटी में इतनी डिलीवरीज गई हैं, यानी कि जितना हमने ग्रुप बाय को तोड़ना होगा वो हमें ऐसे ही तोड़ेंगे उसे, जिस जिस ठीक लेवल पे ग्रुप बाय करना होगा उस लेवल पे जाके हम उसे ग्रुप बाय करेंगे। अच्छा शुभ भाई, ये जो आपने काउंट के फंक्शन से एक कॉलम जनरेट किया है तो इसको भी हाँ आगे हम कहीं यूज कर सकते हैं हाँ इसी हाँ बिल्कुल कॉलम यूज को? कर सकते हैं, मेरी वो वाली बात याद रखो, जो सिलेक्ट की आउटपुट है वो क्या है, टेबल है, तो ये एक टेबल बन गया ना, इसको आप ऐसे भी दोबारा यूज कर सकते हो, ये देखो ऐसे भी दोबारा यूज कर सकते हो। इसमें भी एक एरर आएगा,
वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये एरर आया कौन सा? ऑर्डर बाय का, कि भाई इसके अंदर जो है ना हम ये नहीं कर सकते ऑर्डर बाय, क्योंकि लास्ट पे ऑर्डर बाय करेंगे ना, जब उसके फाइनल रिजल्ट आएगा उसको ऑर्डर बाय करना है हम, तो इसलिए ऑर्डर बाय हम इधर नहीं लगा सकते, इनर क्यूरी में हम ऑर्डर बाय नहीं लगा सकते। ऑर्डर बाय लगेगा जो फाइनल हमारी आउटपुट आ रही होगी उसके ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑर्डर बाय लगा सकते हो। टीवी है, जिस पे भी लगाना है आपने, काउंट पे लगाना है, कंट्री पे है, कंट्री पे हमने लगाना है ये। अब इस सिलेक्ट की भी आउटपुट क्या आई है, ये देखिए टेबल ही आई है ना, रो और कॉलम ही आई है ना सिलेक्ट की आउटपुट। सेम इसको हम किसी और सिलेक्ट में भी लिख सकते हैं इस तरह करके, क्योंकि फ्रॉम को क्या चाहिए, टेबल चाहिए, और सिलेक्ट हमें क्या आउटपुट देता है, टेबल देता है। लगी इस चीज की समझ? हाँ जी, ये फॉर्म के नीचे ऊपर आपने लगाया है, इसके अंदर ये टीरियल जो आपने टेबल ली है, इसने अपनी मर्जी से कोई भी टेबल पिक कर लिया है, जो किसके अंदर टेबल लिया? आपने स्लैक की और आउटर क्वेरी लगाई है, इसमें ये टीरियल आपने एक ले लिया है। यहाँ पे टेबल नेम तो नहीं लिया हुआ ना, तो इसने क्यों टेबल नहीं कैसे लिया हुआ? गेट किया है? ये तो टेबल नहीं है हमारे पास, इनर क्वेरी के अंदर लिया हुआ है ना। इनर क्यूरी नहीं है तहरीम, ये इनर क्यूरी नहीं है। इनर क्यूरी बाद में हम सीखेंगे क्या होती है, ये इनर क्यूरी तो नहीं है, ये तो टेबल है, इट्स सेल्फ टेबल है ये। यानी कि ये जो तीन लाइन को मैं एग्जीक्यूट करूंगा क्या आउटपुट आएगी मेरे पास, ये टेबल आउटपुट आएगी। इनर क्यूरी और चीज होती है, वो हम बाद में देखेंगे, ये इनर क्यूरी नहीं है, ये टेबल है। अब मैंने जो फर्स्ट डे आप लोगों को बात बताई थी कि चाहे सिलेक्ट में फ्रॉम के बाद आप टेबल नेम दे दो, चाहे इटसेल्फ उसको टेबल दे दो, ये जो है इसकी आउटपुट क्या है, टेबल है ये इसकी आउटपुट, तो हमने इसे टेबल दे दिया है। ठीक है, तो अब जब टेबल इसे दिया तो इसका हमने एलियस देना जरूरी है, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और हमेशा सिलेक्ट की जो आउटपुट होती है वो क्या होती है, रो और कॉलम होती है, और रो और कॉलम हमारे पास क्या है, टेबल्स है। बाकी ये ऑर्डर बाय की समझ आ गई कि ये यहाँ पे क्यों नहीं लगा, क्यों इसने एरर दिया है, क्योंकि ऑर्डर बाय जब भी ये हमेशा करेगा वो जो फाइनल आउटपुट होगी उसको करेगा ना, और ये अभी तक इसकी फाइनल आउटपुट नहीं बनी थी। इसकी फाइनल आउटपुट हो सकता है मैं यहाँ पे जिस पे ऑर्डर बाय कर रहा हूँ वो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ही ना करना हो। ठीक है, लगी बात की समझ? हाँ जी, अच्छा शुभ भाई, इसी को क्रिएट की कमांड से हम क्रिएट भी कर सकते हैं टेबल को? नहीं टेबल को क्रिएट नहीं कर सकते हम ऐसे। अच्छा, ये अच्छा पॉइंट किया, ये मिसिंग था हमारा एक पॉइंट। हमारे पास में दो किस्म की क्यूरीज होती है, एक होती है डी एम एल क्यूरीज और एक होती है डी डी एल क्यूरीज। ठीक है, जो अगर मैं सही हूं तो ये जो है इसे कहते हैं डेटा मैनुपुलेशन, जो भी इसकी मैनुपुलेशन लैंग्वेज, ये फिर भी आप इंटरनेट से बात देखा ना, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज डीएमएल क्यूरीज में कौन सी आती है, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये जो क्यूरीज है ना तीन किस्म की, ये डेटा मैनिपुलेशन में आती है, क्योंकि देखो डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और जो डीएलएल है ना वो कौन सी क्यूरीज है, जो हमारे स्कीमा डिस्क्राइब करती है, यानी कि हमने टेबल बनाने हो, हमने डेटाबेस बनानी हो, उसके अंदर ट्रिगर लगाने हो, उसके अंदर स्टोर प्रोसीजर बनाने हो, उसके अंदर फंक्शन बनाने हो, वो हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, क्योंकि उधर हम डेफिनेशन दे रहे हैं। ठीक है, कि भाई हमने टेबल के क्रिएट की जो क्यूरी होंगी ना, या क्रिएट की, ड्रॉप की, डिलीट की, ये जो क्यूरी क्यूरीज हैं ये हमारी कौन सी है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। ठीक है, इसे हम डीडीएल क्यूरीज कहते हैं, और जो हमारी क्यूरी डेटा को मैनुपुलेट करती है वो हमारी डीएमएल क्यूरी होती है।
ठीक है। अच्छा, इसमें ग्रुप बाय में और ज्वाइन में कोई और कंफ्यूजन है तो वो अभी और डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में, अगर कोई कंफ्यूजन है तो, वरना फिर आगे हम चलते हैं। तो शोएब भाई, ऐड काउंट और सम, ये तीन चीजें हैं, तीनों में मेन डिफरेंस क्या है? सम तो चले सम कर लेते हैं। ठीक है, और कौन सा था? ऐड काउंट और सम, हाँ, जो काउंट है ना वो तो सिर्फ एक काउंट करेगा, बस एक काउंट, ठीक है। यानी कि वो क्या करेगा, एक जिस तरह अगर एक रो है ना तो उसे वो एज अ एक रो कंसीडर करेगा बस, और उसे वो वन कंसीडर करेगा। जब वो दूसरे पे जाएगा तो वन के बाद काउंट दूसरा आता है तो टू उसे कंसीडर करेगा। इसको हम इधर से लेते हैं एग्जाम्पल से, दोबारा मैं ऑर्डर का ही उठा लेता हूँ। अगर मैं किसी भी, फॉर एग्जाम्पल, इस पे काउंट लगाता हूँ, इस कॉलम पे काउंट लगाता हूँ, तो काउंट हमेशा एक, जब वो एक रो उठाएगा ना तो वो एक काउंट करेगा, जब वो उसके पास दो आ जाएंगी तो दो हो जाएगा, वो तीन आ जाएंगी तो तीन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके काउंट जो है ना वो एक काउंट का इंक्रीज आएगा। और अगर देखा जाए ना आप, तो यहाँ पे भी देखो एक रो आ रही है, ये काउंट है कि भाई कितनी रो इस क्यूरी से सिलेक्ट हुई है, ये काउंट की ही फंक्शनैलिटी लगी हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप इस तरह करके इसे काउंट करो, तो ये भी आपके पास 830 आया, और ये भी आपके पास ये एक रो आई है, क्योंकि हमने रो एक शो की है। और अगर मैं ऐसे टोटल रो शो करूं, जो कि हमारे पास कितनी आ रही थी काउंट, 830 आ रही थी, ठीक है। अब ये जो काउंट के अंदर हम लेते हैं ना चीज, ये स्टेरिक लिया है, तो इसका मतलब है कि पहले ये पूरी इसको रीड करेगा, फिर यहाँ पे एक काउंट करेगा वो, क्योंकि स्टेरिक लिया है ना। इसी तरह अंदर जो है हम कॉलम लेंगे तो एम्प्लॉय का 5 को रीड करेगा वो, फिर वो अंदर काउंट करेगा। इसी तरह इस रो में वो अंदर 6 को रीड करेगा, फिर 2 कर देगा उसे, काउंट का काउंटर चलता रहता है ये, ठीक है। लेकिन मैं टी क्यों लेता हूँ, मैं टी इसलिए लेता हूँ कि वो कॉलम को रीड ना करे, ठीक है। अगर उसे रो एक मिली है तो ये इसको रीड कर ले वो, टी हाइफन, यानी कि एक करेक्टर को रीड कर ले वो। एक करेक्टर कितनी बाइट लेता है मेमोरी में, 1 बाइट। तो ये सबसे फास्टर वे होता है, यानी कि काउंट अगर करना हो आपने किसी को, ठीक है। अगर आप पूरा कॉलम लोगे, फॉर एग्जाम्पल ये वाला कॉलम ले लिया आपने, इसमें शिप एड्रेस, तो पहले वो इस कॉलम को रीड करेगा, तो ये कॉलम जब वो कंसीडर कर लेगा कि हाँ मुझे एक काउंट ज्यादा कर देना चाहिए, तब वो इसको ज्यादा करेगा एक काउंट। जबकि मेरे केस में ये क्या कह रहा है कि अगर वो, उसने सिर्फ देखना है कि भाई हाँ, यानी कि अगर ये कॉलम है, यानी कि जब वो इस रो पे गया, ये रो एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट उसको वो क्या कर देगा, 1 इंक्रीज कर देगा, इसी तरह करके 2 इंक्रीज कर देगा, 3 कर देगा। अब इस केस में अगर मैं इधर एक वेयर क्लॉज लगा दूं, क्योंकि सिलेक्ट हमारे पास सबसे आखिर में चलता है, और एम्प्लॉय आईडी मैं कर देता हूं 5, ठीक है। अब जो मैं अगर काउंट टी लगाऊंगा ना, जब उसे ये पहली रो मिलेगी ना, वो किसी कॉलम से जाके रीड नहीं करेगा वो, यानी कॉलम को नहीं देखेगा वो, ठीक है। वो डायरेक्ट, क्योंकि टी पड़ा हुआ है उसमें, तो टी इटसेल्फ एक करेक्टर है, तो एक काउंट प्लस कर देगा। दूसरी रो पे आएगा तो वो किसी कॉलम को नहीं देखेगा जाके, यानी कॉलम से डाटा नहीं रीड करेगा, डायरेक्ट वो प्लस करता रहेगा, अपने अंदर एक इंक्रीमेंट करता रहेगा, ठीक है। अगर हम किसी कॉलम का लिख देंगे किसी भी, या स्टेरिक लगा देंगे, स्टेरिक इज अ यूज, यानी कि वो है जो डाटा को, यानी कि लेते, क्योंकि वो हर कॉलम को देखेगा, हर कॉलम को रीड करेगा, और फिर जाके एक प्लस करेगा। एट द एंड उसने करना एक है प्लस, चाहे वो आप पूरी रो से रीड करवा के करवा लो, चाहे एक कॉलम रीड करवा के करवा लो, चाहे डायरेक्ट आप कोई वैल्यू दे दो। और इसलिए इस काउंट के अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, यानी कि इधर 1 भी दे दोगे तब भी वो हमें वही आंसर देगा। और इसकी एग्जाम्पल ये है, बस इनमें डिफरेंस यही है। ये तो सबके आंसर सेम आए हैं, लेकिन सिर्फ इसका रीड का जो मैकेनिज्म है ना वो डिफरेंट हो गया। यहाँ पे उसे जब एक रो मिली,
उसने 4 बाइट का, यानी कि उसे पता है अंदर वन है, बस उसने काउंट कर दिया, काउंट को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है, काउंट को भी प्लस करता जा रहा है। ये पूरी एक रो चेक कर रहा है, पहले एक रो को पूरी को चेक कर रहा है, करेगा ये भी प्लस वन नहीं, और ये यहाँ पे उसे इस कंडीशन के बेस पे जितनी मिली उसने टी को आपस में टी को काउंट कर लिया, ठीक है, और ये एक यानी कि करेगा ये भी एक प्लस ही, लेकिन ये उस कॉलम को देखेगा जितने वो वाले, यानी कि उस कॉलम की रो, यानी कि जो भी है रो मिली उस कॉलम को रीड करके एक एक प्लस करता जाएगा, एक एक प्लस करता जाएगा। तो इसलिए ये वाला जो है ना सबसे फास्टर होता है, क्यों, क्योंकि ये 1 बाइट ले रहा है सिर्फ उस चीज को, यानी कि काउंट प्लस करने के लिए। ये कितने बाइट ले रहा है, कि 4 बाइट ले रहा है क्योंकि ये इंटीजर है। ये कितने बाइट ले रहा है, जितने बाइट का ये कॉलम होगा उतने लेगा, और ये कितने बाइट लेगा, जितने बाइट की वो रो होगी उतने बाइट लेगा ये मेमोरी में, नो डाउट। ये बाइट खत्म कर देगा, ये क्लोज डिस्क्लोज कर देगा, इसे डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन लेगा जब जिस वक्त ये डाटा को रीड कर रहा होगा। इसलिए ये वाला जो है ना, इसकी टी की जगह आप एस लगा लो, ए लगा लो, जो मर्जी लगा लो, रिजल्ट आपका वही आएगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं कि जितनी रो आई है उतनी बार, यानी कि ए को ये काउंट करेगा, प्लस नहीं करेगा, काउंट करेगा। अब इसके बाद सम है हमारे पास। सम हमेशा जो है ना हमारे पास किस में होता है, किसी भी न्यूमेरिक में या क्या नाम है उसका, डेसिमल में, इनमें होता है। सम क्या करेगा, जो वैल्यू, अच्छा सम के अंदर आप नहीं ये लगा सकते, ठीक है, सम को क्या चाहिए, सम को या तो इंटीजर चाहिए या इस तरह की चीज चाहिए। अच्छा एक और चीज, मैं सम की मदद से भी काउंट कर सकता हूँ, बताओ कैसे, यानी कि काउंट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकता हूँ। अगर मैं इसके अंदर 1 लगा दूंगा, उसमें भी 42 आ रहे थे, तो ये क्या कर रहा है, हर रो को, जब जितनी उसे रो मिली है हर रो को एक प्लस कर रहा है, ठीक है, और अगर मैंने किसी स्पेसिफिक कॉलम को प्लस करवाना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको प्लस करवाना है, फॉर एग्जाम्पल ये जो है ना ये वाला कॉलम जो है ये मेरे, या ये छोटा कॉलम ले लेते हैं, ये मेरे पास कोई अमाउंट है, ठीक है, मैंने इसको सम करवाना है कि टोटल अमाउंट मैंने कितनी दी है, तब उस केस में मैं सम को यहाँ पे कॉलम दूंगा। अब ये मेरे पास टोटल 83 अमाउंट आ गया। इसने क्या किया है कि ये इस कॉलम पे गया है, इस कॉलम पे जो वैल्यू थी उनको सम करता रहा, फिर नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट पे जो वैल्यू थी उसको सम किया, फिर नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट पे जो वैल्यू थी उसको सम किया, इस तरह करके खुद ये हर उस रो को यानी कि रीड करेगा जितनी रो इस फ्रॉम के सिलेक्ट करने के बाद और इस वेयर क्लॉज अप्लाई करने के बाद आएंगे। अब बाकी रहा ऐड का मुझे नहीं पता, ये नहीं, ये तो वैसे भी एग्रीगेट फंक्शन नहीं है ऐड, ये हम बाद में देखेंगे कि ऐड क्या है, ये ऐड एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, ये सम है, ठीक है, तो काउंट और सम में डिफरेंस पता लगा थोड़ा। लग अच्छा एक ही यूनियन है हमारे पास, अच्छा ग्रुप बाय में ये हैविंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया था ना कल, हैविंग ऐसे ही है जिस तरह अभी हमने ये ग्रुप बाय किए है ना, किधर किए थे वो, ये मैं ये कहता हूं कि सिर्फ हमारे पास वो ही ऑर्डर आए जो हमने 10 से ज्यादा डिलीवरी किसी एक शहर में की है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर क्या कर दूंगा, हैविंग यूज कर लूंगा कि मेरे पास वही ऑर्डर आए जो मैंने 10 से ज्यादा डिलीवरी की है एक सिटी में, और अब मैं इसे अगर सिलेक्ट करूंगा, ये देखो सारे वही ऑर्डर आ गए हैं जो 10 से ज्यादा डिलीवरी हमने एक सिटी में की है, समझ आई बात की,
हैवी हम काउंट भी लगाते हैं, बाकी चीजों पे भी लगा सकते हैं। नहीं, सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन पे लगेगा हैविंग, यानी कि हैविंग इस चीज पे नहीं लग सकता कि फॉर एग्जांपल हैविंग, या शायद आई थिंक लग सकता है सिटी लाइक, जो सिटी MON से स्टार्ट हो रही है, मेरा ख्याल है सिर्फ उस पे ही लगता है बस, आने लग गया। हैविंग सब पे लग सकता है, यानी सेम लाइक वेयर क्लॉज है, लेकिन ये लगता किसके बाद है, ग्रुप बाय अप्लाई करने के बाद। ग्रुप हाँ ठीक है, तो इसकी एग्जांपल यही है कि जैसे हमने ग्राउंड में लोगों को इकट्ठा किया था, जो क्रिकेट के शौकीन है उस ग्रुप में से मैं ये निकालूं कि कौन 50,000 से ज्यादा सैलरी ले रहा है, सिर्फ वो लोग अलग हो जाए। ठीक है, पहले तो यानी कि ग्रुप वाई होगा, क्योंकि पहले उसमें बेयर नहीं लगा सकते, अगर पहले बेयर लगा दिया ना तो वो यानी कि बाकी लोग भी अलग हो जाएंगे फिर। अच्छा, बाकी जो ये यूनियन है ये थोड़ा समझने वाला है, इसे हम कल ही स्टार्ट करेंगे। एग्जिस्ट भी हम, एग्जिस्ट को हम वैसे देख सकते हैं, यानी कि आप लोग खुद देख सकते हो कि एग्जिस्ट के ये टैरिम सब सब क्यूरी आ रही है। ठीक है, ये देखो, सफेद के बाद बोला चाहिए। ठीक है, बाकी फिर आप कल ही देखेंगे, लेकिन ना 2-3 दिन में एक आप लोगों ने असाइनमेंट करनी है, यानी कि वो मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, वैसे तो मैंने पहले जो है ना उनको खुद करवाई थी हाथ से, लेकिन मुझे यानी कि है कि आप लोग ना कर लोगे, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही ऐसी असाइनमेंट की है। वो असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने जो है ना, यानी कि आप लोगों के पास अब ये डेटाबेस है, ठीक है, तो इस डेटाबेस को आप लोगों ने कनेक्ट करना है अपने ये जो कंसोल एप्लीकेशन है ना इसके साथ। ठीक है, जिस तरह आप लोगों ने एक्सेल फाइल को कनेक्ट किया था ना अपनी कंसोल एप्लीकेशन के साथ, तो जाहिर सी बात है उसके लिए कोई पाथ आप लोगों ने यूज किया था, कोई कनेक्टिविटी क्लासेस यूज की थी, यानी कि ये सारी चीजें इंटरनेट पे मिल जाएंगी और इंटरनेट से ही आपने देखना है। तो सेम इसी तरह जब हम किसी डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं ना अपने उसके साथ, तो उसकी भी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो आप लोगों ने इस चीज को सर्च करना है कि भाई हम लोगों ने ना यानी कि ये डेटाबेस को कनेक्ट करना है जो कंसोल एप्लीकेशन अभी तक करते आए हैं हम, कैसे करोगे वो इंटरनेट पे जाके ढूंढो उसे। ठीक है, लेकिन जिसके थ्रू आपने कनेक्ट करना है ना उसका नाम है टैपर, यानी कि आपने इंटरनेट पे ये लिखना है यूज एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूजिंग डैपर इन कंसोल एप्लीकेशन सी शार्प। ठीक है, चाहे इधर से आप देख के करो या चाहे आप लोग डायरेक्ट ये वाला उठा लो, ठीक है, इस चीज से आप करो, 2-3 दिन है आपके पास आराम से इसको देख के जो है ना कि कैसे इसने यूज किया हुआ है, कैसे किस क्लास को इंपोर्ट किया है, हमें नेगेट पैकेज का पता है क्या होता है, कैसे हमने इसको इंस्टॉल करना है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप सारे बताए मैंने। जो आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन आएगी ना वो होगी कनेक्शन स्ट्रिंग, क्योंकि जिस तरह आप लोगों ने एक्सेल फाइल को कनेक्ट किया था ना अपने यानी कंसोल एप्लीकेशन के साथ, और फिर एक्सेल फाइल से डाटा रीड किया था और आपने कंसोल एप्लीकेशन में लेके आए थे, और या राइट करवाया था तो वो आप एक्सेल फाइल में राइट हो रहा था, तो उसके लिए आपको एक कनेक्टिविटी बनानी पड़ी थी। जब जब भी हम किसी भी डेटाबेस को कनेक्ट करेंगे किसी भी एप्लीकेशन के साथ, तो उसको कनेक्टिविटी बनाने के लिए जो चीज हमें रिक्वायर्ड होती है ना उस चीज को कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों की क्या बनेगी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल ये, यानी मैं अब अगर इधर से सर्च कर लूं इसको कनेक्शन स्ट्रिंग फॉर विंडो ऑथेंटिकेशन एसक्यूएल सर्वर सी शार्प, क्योंकि हम विंडो ऑथेंटिकेशन से लॉगिन हो रहे हैं। ठीक है, विंडो ऑथेंटिकेशन से लॉगिन होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, यानी कि उसको यूज कर रहे हैं डेटाबेस को। कनेक्शन स्ट्रिंग आपकी कुछ इस तरह बनेगी, सर्वर इज इक्वल टू सर्वर नेम। अब मेरे केस में सर्वर नेम क्या है, मैं इधर से आऊं और अगर देखूं ना तो मेरे पास सर्वर नेम ये है, देखो लिखा भी हुआ है सर्वर नेम, ये आपने कॉपी करना है यहां से और इसके इसके अंदर आप लोगों ने इधर इधर पेस्ट कर देना है। ठीक है, डेटाबेस नेम, जो आपका डेटाबेस का नेम है इज इक्वल टू, यहाँ पे डेटाबेस का नेम देना होगा। मेरे केस में भी डेटाबेस का नेम क्या है, ये यहां से मैं कॉपी करूंगा
और ये यहाँ पे इस तरह करके पेस्ट कर दूंगा। और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू, क्योंकि विंडो ऑथेंटिकेशन को अगर विंडो ऑथेंटिकेशन के थ्रू हमने कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करनी है तो ये वाला एट्रीब्यूट हमारा पास क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, उसे ये कनेक्शन स्ट्रिंग चाहिए होगी। तो इस तरह करके आपने एक वेरिएबल में कनेक्शन स्ट्रिंग को सेव करवाना, जिस तरह हम पाथ को करवाते थे, सी सी के अंदर फलाने फोल्डर के अंदर ये फाइल पड़ी हुई है, सेम उसी तरह आपने ये कनेक्शन स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कराना और उसको फिर आप यूज करना। बाकी यूज करने का तरीका यहाँ पे सारा बताया हुआ है, देखो मेन फंक्शन के अंदर जा ये बनाया हुआ है, देखो कनेक्शन स्ट्रिंग। अभी ये इसने कनेक्शन स्ट्रिंग किसी फाइल के अंदर रखी है, आप जरूरी जरूरी नहीं है उस फाइल के अंदर रखो, अगर रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। क्यों रखते हैं इसका हम फायदा नुकसान बाद में देखेंगे। ठीक है, इस तरह करके ये देखो इसने कनेक्टिविटी बनाई है और ये जो है ना कनेक्शन इसने सक्सेसफुल कंप्लीट किया है। तो आप लोग खुद अपने तौर पे इसे कंप्लीट करने की कोशिश करना कि सिर्फ एक कनेक्टिविटी बनाना उसके साथ और डेटाबेस के साथ आप कनेक्ट करने की कोशिश करना, और अगर नहीं हुआ या हुआ इसको हम डिस्कस करेंगे सैटरडे मॉर्निंग। ठीक है, लेकिन हर किसी ने अपनी तरफ से फुल कोशिश करनी है। देखो स्मॉल पीस ऑफ कोड है, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, बाकी कोई क्यूरी हो तो व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी इधर नमाज का भी टाइम हो गया है, फिर इंशाल्लाह बात होगी।